गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो आज है संडे एंड आज विंटर्स तो स्टार्ट हो चुकी हैं। सो आज है डवो एंड मैक्सो का बाथ डे और उसके पापा करवा रहे हैं उनको बाथ। पहले मैं करवाती थी क्योंकि मेरे पास कुकू था एंड डवो दोनों शॉर्ट हाइट के थे तो मैं इजीली करवा लेती थी, बट अब मेरे से ज़्यादा बेंड नहीं हुआ जाता। सो उसके पापा ही बाथ करवाते हैं दोनों को। सो हमने हॉट वाटर से आज इन दोनों को बाथ करवाई बच्चों को और एकदम फ्रेश एंड क्लीन हो गए थे ये। इन्होंने पहले हॉट वाटर से बाथ ली है, देन उसके बाद टर्न बाय टर्न अब दोनों की बाथ होगी। पापा इनको अच्छे से बाथ करवा रहे हैं। डब मैक्सो की बाथ स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद डबू की बात होएगी, देन उसके बाद दोनों को सन बाथ भी करवाएंगे। आपको पता ही है कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हमने पेट्स घर में रखे हुए हैं तो हमें उनकी क्लीनिंग का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। एंड जिस तरह से हम लोग हाइजीन का ध्यान रखते हैं उसी तरह से अपने पेट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी हम लोग इनको आउटसाइड सिर्फ फ्रेश होने के लिए लेके जाते हैं, सो दूसरे डॉग्स के साथ भी इनको इतना मिलाते नहीं हैं तो ये क्लीन ही रहते हैं। और घर में स्माइरा भी है, हम भी हैं, सो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे इनको क्लीन रखें। सो ये खुद भी, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्लीन रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं। और अब तो विंटर डेज़ हैं सो हमारे साथ ही बेड पे सोते हैं। इनके लिए बेड लिया हुआ है, फ्लोर बेड्स हैं इनके, बट स्टार्टिंग से ही पैम्परिंग रहे हैं ये दोनों तो हमें हमारे साथ ही बेड पे सो जाते हैं, कभी मेरे ब्लैंकेट में घुस जाते हैं, कभी अपने पापा के साथ, कभी स्माइरा के साथ। सो हमें इनको बिल्कुल वैसे ही रखना पड़ता है। सो ये मेरे बच्चे हैं तो हमें इतना वो नहीं लगता कि हमारे साथ क्यों बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि हमने इनको पाला है छोटे होते से ही तो हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हाँ मतलब। तो आप देख सकते हो अब मैक्सो की बात के बाद अब ये छोटा बेबी है डब्बू, इसकी बात हो चुकी है स्टार्ट। धूप में सूख जाएंगे दोनों वैसे ही तो। तो आप जब बात इन दोनों को हम लोग यहाँ सनलाइट में लेके आ गए थे, मेरी बालकनी में अभी धूप नहीं निकली है, सो हम फ्रंट वाली साइड पे इनको लेके आ गए थे, यहाँ अच्छी धूप निकली थी। थोड़ा सोचा कि इनको ड्राई कर दें, मतलब क्लीन कर दें और धूप से भी थोड़ा इनको अच्छा सन बाथ मिल जाएगी। इनकी कॉम्बिंग करनी है ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर वगैरह हेयर फॉल होता है वो निकल जाए। थोड़ा सा हम इनको कोई ऑयल लगा देते हैं जो नॉन स्टिकी ऑयल होता है, सो हल्का सा हैंड में रब करके इनको ऑयलिंग भी कर देते हैं सो ताकि इनको स्टिकी फील ना हो। और बाद में जब मेरी बालकनी में धूप निकलेगी तो हम लोग इनको बालकनी में ही बिठाएंगे, वहाँ पे ये इंजॉय करेंगे अपना आराम से। हाँ जी, कैसे लग रहा है आपको इनको बात करा के? हॉट बात दे। आपने भी कर लेनी थी डबो मैक्सो के साथ। हेलो मैक्सो, even if you're gone I will remember you.
beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. आफ्टर बाथ दोनों बच्चों ने अपना लंच किया था और लंच करने के बाद दोनों बच्चे आराम से अपने क्लोथ्स वार्म क्लोथ्स वेयर करके सो गए हैं, चैन की नींद ले रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, खाना पीना हो गया, नहाना हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखो इनकी जब सब एनर्जी आ गई ना सोने के बाद, अब इनकी मस्ती हो चुकी है स्टार्ट। Make sure I'm mama ki help kar rahe ho. Give me bag. Give me. There's not much to do. Mama ki help karta hai. Good girl. Thank you, mera baby. Achha achha achha, polythene uthaya, mama ki help kar rahe ho aap. Mama ki help kar rahe ho. Meko ek aur hai. Aajo, come. It's been way too long. Meko, good girl. Pick. Naughty girls. होगी फाइटी, हो गई, हो गया आप दोनों का काम, और करनी है फाइटी फाइटी। क्यों कर रहे हो फाइटी फाइटी? अरे मैक्चू के क्लोथ्स के जैसे मेरे शूज, आसो मैचिंग मैचिंग हो गया। डबो आपकी ड्रेस का है, देखो छोटा पता है, छोटा पता। Naughty baby, naughty baby. Match you. I love you. I love you. I love you. There's not much to do. Judy. When all I can is thinking about you. Not papa again, Match you. Well. Check karo, dekho kar aayi hai Match. Papa again. Papa. 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 You're not here. It's been way too long. सो फुल डे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ मॉल में, एंड हमने इंजॉय किया मेरा फेवरेट चाइनीज फूड, एंड थोड़ा सा हम लोग वहाँ पे घूमे हैं, एंड यहाँ बैठ के हमने मेरा चाइनीज़, आज मेरा चाइनीज़ खाने का बहुत मूड कर रहा था, सो हमने यहाँ बैठ के एकदम स्पाइसी चाइनीज़ फूड इंजॉय किया, एंड बस सबने अपना अपना फेवरेट फूड खाया, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ और घूमे हैं थोड़ा सा। अभी लास्ट मंथ मेरा पूरा घूमने में गया क्योंकि फैमिली आई हुई थी, सो हम लोग फुल मंथ हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया,
घर में हम कम ही बैठते थे, सो सारा कुछ बस इस तरह चलता रहा। और मैं अब घर आ चुकी हूँ वापस, एंड मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी यहाँ पे ग्रीन टी, क्योंकि डिनर भी हम बाहर से ही पैक करवा के लाए थे। आज मुझे मैंने चाइनीज़ खाया, एंड मैं आज मेरे को विंटर्स है तो मैं वाइट बटर लेके आई थी, एंड मेरे को मैंने इनको बोला मेरे को साग एंड मक्की की रोटी खाने का मन कर रहा है, सो हम लेके आ गए थे। मेरे को डिनर नहीं बनाना था। यहाँ ये बैठ चुके हैं पंजाबी मूवी लगा के, सो हमने यहाँ पे बस अभी पंजाबी मूवी देखेंगे एंड मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।